ओके, लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया। कैपेसिटर्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, कैपेसिटर में क्या डिस्कस किया कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि क्या स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा, राइट। तो हमने ये डिस्कस किया कि कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है, पॉइंट नंबर वन। कैपेसिटर के अंदर अगर हम फॉर्मूला देखें कैपेसिटेंस का, सी दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया कि कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज की कंडक्टर की, कि कंडक्टर का क्या बिहेवियर है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाएगा, एंड कंडक्टर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखते हो तो उसमें ई की वैल्यू कंडक्टर के अंदर क्या रहेगी, जीरो। ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इधर इधर, ठीक है। तो ये डिस्कस किया, ये सारी प्रॉपर्टीज की हमने। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको डिस्कस किया कि अगर एक कैपेसिटर है, मींस एक स्फेयर है, और स्फेयर अगर कैपेसिटर की तरह काम करे, तो अगर स्फेयर के ऊपर क्यू चार्ज है, तो स्फेयर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4πε0R। ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट ये हमने एक न्यूमेरिकल किया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे बाय टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। हालांकि लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक बार फिर से यहां से शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कि कैपेसिटर में आपके पास कोई भी एक कंडक्टर या कोई भी एक बॉडी आपने कंसिडर की जो चार्ज स्टोर करती है। और लेट अस सपोज, मैंने ये समझाया था कि आपके पास देखो, लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक प्लेट ऑफ एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये मैंने अपनी बैटरी से कनेक्ट करके दिया, और मैक्सिमम चार्ज इसमें जो आया वो क्यों आया, तो क्योंकि इसको मैंने चार्ज दिया, क्योंकि इसके ऊपर पोटेंशियल है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू सी इन टू वी। तो यहां से इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, Q डिवाइडेड बाई वी। क्लियर है यहां तक? अब ये और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, बस जितना चार्ज इसको देना था इसने ले लिया, और ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो अब अगर मैं और चार्ज दूंगा तो ये लेगा नहीं, ठीक। मैंने क्या किया, इसके सामने एक पैरेलल और प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट को इसके सामने रख दिया, इसको कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक कंडक्टिंग प्लेट इसके सामने रख दी मैंने। अब कंडक्टिंग प्लेट जब मैंने इसके सामने रखी, तो बाय इंडक्शन यहां पर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव, और इसके पीछे की तरफ क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव। मान लो जब मैंने इसको यहां प्लेट को नहीं रखा था, तो इस प्लेट ने यहां पर पोटेंशियल जो डेवलप किया था वो 100 वोल्ट डेवलप किया था, जस्ट इमेजिन कर लो, और क्यू इस पे मैक्सिमम आ चुका था और ये चार्ज ले नहीं सकता, ठीक। तो जब मैंने इस सामने प्लेट, इसके सामने एक कंडक्टिंग प्लेट को रखा, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव डेवलप हो गया। और मैंने ये भी बताया कि अगर ये +2 कूलम है, और अगर ये -3 कूलम है, और ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, और अगर मैं कहूं कि यहां पर पोटेंशियल निकालो, तो +2 जो कूलम का चार्ज है वो इतना पोटेंशियल लगाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना पोटेंशियल लगाएगा। मेरे कहने का मतलब, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। तो बिल्कुल वैसे ये 100 वोल्ट पे है, नेगेटिव चार्ज यहां के पॉजिटिव पोटेंशियल को, 100 वोल्ट को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज करके मान लो कितनी वैल्यू कर दी, 100 की जगह कितनी कर दी, 90 वोल्ट कर दी, 100 की जगह 90 वोल्ट कर दी। तो नेगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उल्टा काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा, पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो पॉजिटिव ने इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया बाय 8 वोल्ट। अब आप कहेंगे नेगेटिव ने 10 वोल्ट कम किया, पॉजिटिव ने 8 इंक्रीज किया, ऐसा क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, दूर है, तो इसका अफेक्ट कम आएगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप इस प्लेट से पूछें, ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 100 से डिक्रीज, और अगर पोटेंशियल 100 से डिक्रीज हुआ तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो जो ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट थी इस प्लेट की, तो कांस्टेंट थी, बट इस सामने प्लेट रखने से ओवरऑल इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने से ओवरऑल कैपेसिटेंस इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है यहां तक, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। हाँ, हालांकि वैसे कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, बट इस केस में अगर आप ये अरेंजमेंट करते हो तो इस सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब किसी ने और सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया, कि क्यों ना ऐसा करें, इसको ग्राउंड ही कर देते हैं, अर्थ ही कर देते हैं, अर्थ करने से पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, चला ही जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज चला गया बिकॉज ऑफ अर्थिंग, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज चला गया तो क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो 100 वोल्ट की जगह इसका अफेक्ट 90 वोल्ट हो गया, बढ़ाने वाला चार्ज तो गया, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल काफी कम हो गया और कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब ये रूल बना दिया गया, क्या रूल बनाया, कि आज के बाद सिंगल प्लेट का कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, आज के बाद सिंगल प्लेट कैपेसिटर के सामने एक और प्लेट रखेंगे, उसको ग्राउंड करेंगे, इस पूरे अरेंजमेंट में चार्ज को स्टोर करेंगे। हालांकि चार्ज मैंने पहली प्लेट को ही दिया, ये चार्ज तो बाय इंडक्शन है और इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है ताकि इसकी कैपेसिटी क्या हो सके, इंक्रीज। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। तो पॉइंट क्लियर है कि हम दो पैरेलल प्लेट के साथ ही कैपेसिटर क्यों बनाते हैं, सिंगल प्लेट हमारा काम क्यों नहीं करता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बना। और जब आप इस थ्योरी को देखेंगे आपके बुकलेट के अंदर, तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या रेफर करना है, थ्योरी बुकलेट। अब एक और बुकलेट आपको नेक्स्ट टाइम मिल रही है, उस बुकलेट में आज से लेके कैपेसिटेंस से लेके एंड सेमीकंडक्टर्स टर्म वन टर्म टू की सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की डेरिवेशंस हैं बस। तो इन शीट्स में आपको थ्योरी मिलेगी, उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे, फाइनल फॉर्मूलाज यहीं लिखे होंगे, न्यूमेरिकल भी यहीं मिलेंगे, बट जो एनसीईआरटी की प्रॉपर थ्योरी है, जो एनसीईआरटी में सीबीएसई में डेरिवेशंस आती हैं उसकी लिस्ट है, और उसकी पूरी किताब अलग तैयार की हुई है प्लस टू को लेके, क्योंकि प्लस टू में डेरिवेशंस काफ़ी आती हैं, तो नेक्स्ट टाइम मिलेगी। तो इसकी जो पूरी थ्योरी है वो आप वहाँ रेफर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आता रहेगा, जैसे थ्योरी आती रहेगी तो वो रेफरेंस उसमें पॉइंटर लगा के हम उसको पॉइंट करते रहेंगे। तो इसलिए अलग बनाई, क्योंकि जब आप सिर्फ थ्योरी की बात करते हो तो आपको ढूंढनी पड़ती है डेरिवेशन सीबीएसई की, उसमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो पूरी किताब ही सिर्फ थ्योरी की बना दी हमने, ठीक है। सो अब अगर आपको बुक में कैपेसिटर का सिंबल देखना हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो सिंबल ऐसा दिखेगा। कभी कभी आपको सिंबल ऐसा भी दिखने को मिलेगा, इसका मतलब है अ कैपेसिटर विद अ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और इसका मतलब है कैपेसिटेंस विद अ वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैन चेंज। हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, कैपेसिटेंस चेंजिंग कैपेसिटेंस हम नहीं करेंगे, हम फिक्स्ड कैपेसिटेंस करेंगे, हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। अब सपोज करो वो कहता है मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है किसी कैपेसिटर की, अब कैपेसिटर कौन सा, वो अगर कुछ भी ले लो, तो मैंने रैंडम एक कंडक्टिंग बॉडी ले ली, ये मेरी कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी के यहां पर चार्ज है, ये किसने दिया, ये मैंने दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चार्ज को स्टोर करे, और कितना चार्ज स्टोर करे, प्लस क्यू चार्ज स्टोर करे, तो ये प्लस क्यू चार्ज है। बाय इंडक्शन इसके सामने कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया, अंडरस्टूड है यहां पे अर्थ ही होगा, ड्रॉ करना बंद कर दिया, पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है कि अकेला कैपेसिटर इतनी कैपेसिटी नहीं देगा, आपको सामने एक पैरेलल प्लेट या पैरेलल बॉडी रखनी पड़ेगी ताकि इसकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ जाए। तो मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, जो पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगेगा, आप इसका नाम V1 V2 कुछ भी रखो, मैंने V+ रख लिया। V+ का मतलब है दिस बॉडी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ऐसी नेगेटिव चार्ज बॉडी है इसके ऊपर भी नेगेटिव लिख लिया, इसका मतलब इट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि दो पॉइंट्स हैं, एक 10 वोल्ट पे है एक माइनस 10 वोल्ट पे है, किसका पोटेंशियल बढ़ा 10 की माइनस 10, मैं आंसर प्लस 10 बोलूंगा,
पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हमेशा ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव पोटेंशियल्स, ठीक। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो अब इस केस में एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल, अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनके बीच में, तो आप बोलोगे वी प्लस माइनस वी माइनस। ये देखो ऐसे ऐसे कि बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया पोटेंशियल का डिफरेंस। और अगर आप ये पूछो कि इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी सी, तो कैपेसिटेंस होगी चार्ज, चार्ज किसका जो ओरिजिनली मैंने दिया था, मैंने क्या दिया था प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों बॉडीज का, वी प्लस माइनस वी माइनस। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्लियर है कैसे निकलेगी, सी इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, एक इन जनरल तरीका है दैट हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? हाँ, ओवरऑल होती है, मतलब हम इसको इसका पार्ट मानते हैं। तो वैसे ओवरऑल मैं चार्ज यहीं स्टोर कर रहा हूं, इसको ओरिजिनल चार्ज मैंने तो दिया नहीं, बाय इंडक्शन है, बट हाँ कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का लेना होता है, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल में फर्क डालता है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये एक इन जनरल तरीका हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहला टॉपिक स्टार्ट है कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला टॉपिक है, अब हम कैपेसिटर डिजाइन करेंगे। तो टॉपिक है कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने क्या किया, हमने दो पैरेलल शीट्स ली, ये पहली और ये दूसरी। इस पे मैंने चार्ज दिया कितना, क्यू, बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या आया, माइनस क्यू, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस कितना है, डी। तो अब इसमें जो एरिया कितना है इस प्लेट का, ए, एंड इस क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है। क्लियर है यहां तक? अब अगर मुझे इसकी कैपेसिटी निकालनी है अरेंजमेंट की, तो इसका चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, पोटेंशियल का डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल। कोई कहता मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं इसमें से इसे माइनस करूं कि इसमें से इसे माइनस करूं, तो क्या मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसे कैसे पता लगा कि v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव होगा, v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव नहीं होगा, ऐसा क्यों? हाँ, ज्यादा होता है तो क्या होगा, उल्टे नेगेटिव पोटेंशियल निकलते ही हैं। बोलो, पर मैं ये तो कोई रूल नहीं ना कि बड़े में से छोटा ही माइनस करना है, क्योंकि कैपेसिटेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए बड़े में से छोटा ही करना पड़ेगा। क्यों करूंगा नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस, के सी तो पॉजिटिव है, 5 लीटर माइनस कैपेसिटी सुनी है कभी? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब मैं कैपेसिटेंस निकाल लूंगा तो हर टॉपिक में मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। अब दूसरा पॉइंट, मैं कैसे निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका वर्क डन अपॉन चार्ज, दूसरा तरीका माइनस ई डॉट डी एल। तो मैं इसमें यूज करता हूँ माइनस ई डॉट डी एल। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूंगा माइनस ई डॉट डी आर से। तो ये भी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस में अगर ये डेफिनेशन यूज करता हूं तो मुझे E वेक्टर और dr वेक्टर में एंगल चाहिए होगा। अब मुझे बताओ E वेक्टर कहां पर है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, dr कहां पर है, dr कैसे डिसाइड करेंगे, ये मेरे पे डिसीजन डिपेंड करता है। कैसे, अगर मैं इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहा हूं तो dr इस तरफ हो जाएगा, r वेक्टर इधर हो जाएगा, लेकिन मेरी मर्जी अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो डीआर इधर हो जाएगा। या आपके ऊपर है आप कहां से कहां मूव करते हो।
मैंने नॉर्मली जो मूव करना होता है या मैं मूव करता हूँ वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करता हूँ ज़्यादातर। तो इसमें भी ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इस तरफ है, तो मैं इस प्लेट से इस तरफ मूव करता हूँ। चलो तो जब मैं इधर मूव करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर है। डी आर कहाँ पर है, वो भी इधर है, क्योंकि मैं अपनी डिस्प्लेसमेंट इधर शो कर रहा हूँ। तो ई और डी आर में एंगल क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, ई डी आर में एंगल ज़ीरो। लेकिन जब मैं इस प्लेट से इस प्लेट तक आऊंगा, तो जब मैं इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में आऊंगा, तो मैं मान लो यहां से चला और यहां पे आया, तो ये पॉइंट मेरा क्या कहला जाएगा, फाइनल पॉइंट, और ये क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। मानते हो ऐसे होता है ना कि मैं यहां से यहां आ रहा हूं, तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं क्या होगा इनमें, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का क्या रूल होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब फाइनल पोटेंशियल कौन हुआ, वी, नेगेटिव। इनिशियल पोटेंशियल कौन हुआ, वी, पॉजिटिव। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो फाइनल पोटेंशियल क्या हुआ, वी नेगेटिव, इनिशियल पोटेंशियल क्या हुआ, वी पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो जब मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं और ई और डी आर में एंगल क्या ले रहा हूं, जीरो, इसका मतलब मेरी मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इसका मतलब फाइनल नेगेटिव है, इनिशियल पॉजिटिव है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा, v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव। अब यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं अगर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे लेना है, पर आप ऐसे ले रहे हो, तो कोई बात नहीं। अब रूल तो रूल है, जब रूल लगाएंगे कि अगर हम इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फाइनल माइनस इनिशियल ही लेना पड़ेगा। हाँ, वो कोई बात नहीं, ये जो भी टर्म आएगी उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो अब जब मैं यहाँ पर एंगल जीरो पुट करता हूँ और लिमिट लगाता हूँ डिस्टेंस की, डिस्टेंस की लिमिट क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डी, तो जीरो से डी, तो यहाँ से ई और डी आर में ई बाहर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है प्लेट्स के बीच में, तो चेंज ही नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमने गॉस थ्योरम में की थी, पैरेलल प्लेट्स की एप्लीकेशन थी, क्या वैल्यू थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू है इसमें, तो ई की वैल्यू हम पुट करेंगे, और वन डी आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, जीरो से डी, डी, तो क्या आ गया, माइनस ई इंटू डी। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव की ये वैल्यू आ गई। पर मुझे ये चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। कोई बात नहीं, इसको उल्टा कर दो, घुमा दो, तो नेगेटिव साइन कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस ई इंटू डी। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म आ गई, इस टर्म को यहां पुट करेंगे, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू डिवाइडेड बाय ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, चार्ज बाय एरिया, क्यू से क्यू कैंसिल, आंसर। तो फॉर्मूला लिखें, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को? यस सर, यस सर। ठीक, तो ये पहला टॉपिक है जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के इक्वल होगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। हमने सबसे पहले जो कैपेसिटर निकाला वो सिंगल एक स्फेयर ले लिया, एक प्लेट ले ली, उससे बात नहीं बनी, तो हमने मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन में क्या सीखा कि एक प्लेट के सामने एक और प्लेट रख दी जाए जिससे कि कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दुनिया में जितने भी कैपेसिटर बने वो पैरेलल प्लेट बनने शुरू हो गए। पैरेलल प्लेट से भी बात नहीं बनी, एक और मॉडिफिकेशन आई। मॉडिफिकेशन ये आई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें जैसे हम लेते हैं वैसे ले, बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब एक कंडक्टर लें, उस कंडक्टर को इसके बीच में डाल दें। तो जब आप उस कंडक्टर को इसके बीच में डालेंगे तो आप देखेंगे आज अभी थोड़ी देर में इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो हम बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस के। तो अब हम एक बढ़िया कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने क्या डाली है, कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया। अब जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को डाला तो यहाँ पर ये पहली प्लेट पे चार्ज मैं देता हूँ प्लस क्यू, बस मैंने यही देना होता है। और बाय इंडक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्टर पे नेगेटिव। बाय इंडक्शन कंडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाय इंडक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
तो मैंने जो ओरिजिनल चार्ज दिया वो तो यही दिया, ये तो बाय इंड्यूस चार्जेस है सारे के सारे, क्लियर है। इंड्यूस चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो अगर ये क्यू है ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये प्रॉपर्टी की थी लास्ट टाइम तो मैंने जीरो मार्क कर लिया। इस दो ओरिजिनल प्लेट्स के बीच में जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, डी। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में डिस्टेंस कितना है, डी। और ये जो स्लैब है वो कितनी मोटी है, टी। इसकी थिकनेस कितनी है, टी। डी टी, टी इज लेस देन डी, तो छोटी स्लैब है, ये भी क्लियर है। तो जो रीजन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये रीजन दिखा रहा हूं ये वाला, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, वेयर ई नॉट कितना है, ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको ई नॉट कर लेना, ई नॉट का मतलब है कि जहां पर ये बाहर, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया, ई नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। अब मेरे को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कैसे, E इज इक्वल टू डी वी बाय डी आर हम करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, E इंटू डी आर, आपने किया भी, माइनस ई डॉट डी आर। यानी कि अगर मैं किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूं इसमें, मैं इसमें क्या करने वाला हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, ई नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, क्योंकि ये बड़े वाला डी है, इसमें से टी माइनस करोगे तो ये और ये लेंथ मिला के क्या आएगी, डी माइनस टी। अच्छा ये बात बताओ कि अगर मैं ये प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट डालता ही ना, कंडक्टिंग स्लैब डालता ही ना, तो फिर उस केस में ये कैपेसिटर मेरा पुराना कैपेसिटर बन जाता है ये वाला, बिना कंडक्टिंग स्लैब के, यही आंसर है। और इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो यही लिखा हुआ है, विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, अगर कंडक्टिंग स्लैब ना होती तो ये कैपेसिटी थी, लेकिन अब कंडक्टिंग स्लैब है तो मुझे अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा नया, जो डेवलप होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। वो क्यों, क्योंकि जो नई कैपेसिटेंस होगी वो चार्ज तो इसमें भी क्यू, पहले भी क्यू है, डिवाइडेड बाय नया पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कॉर्नर की प्लेट्स में चेंज हो गया। तो वो कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने ई नॉट, कितने रीजन में, डी माइनस टी में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, और डिस्टेंस कितना है, टी, तो जीरो इंटू टी। तो ये स्टेप क्लियर है, तो यहां पे तो पोटेंशियल एक तरीके से आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, वैसे भी एक रूल है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, ई जीरो होता है और वी कॉन्स्टेंट होता है, तो सोचो जितना भी यहां पर है उतना ही यहां पर, तो वी माइनस वी क्या आ गया, वैसे भी जीरो। तो क्लियर है यहां तक, तो यानी कि यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस आया ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्लियर है। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट, और यहां पे भी कितना है ई नॉट, और ये लेंथ कितनी है मिला के, डी में से टी माइनस करेंगे तो ये लेंथ आएगी, तो ई नॉट इनटू डी माइनस टी। ये तो ओरिजिन कंडक्टिंग स्लैब को हटाएंगे तो ओरिजिनल प्लेट्स ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ही हुआ है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, स्लैब के अंदर जीरो है, स्लैब के बाहर तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, मैंने इसको ई नॉट बोला है, ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जैसे हमने फ्लक्स में किया था ना ये वाला, ये सेम। तो अगर मैं स्लैब डाल दी, स्लैब के अंदर जीरो है, बाकी जगह तो सेम है ना, तो बाकी जगह तो ये रही सेम है, ठीक। तो इसको मैंने ई नॉट का नाम दिया बेसिकली, ई नॉट, राइट, ई नॉट कर लो इसे, ये कहा था, ठीक। तो स्लैब के अंदर जीरो, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की ये टर्म आ गई। अब ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन नया पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, क्यू से क्यू कैंसल आंसर। तो ये फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग स्लैब है तो कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद जिसकी थिकनेस टी है, ये आपके पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो बिना कंडक्टिंग स्लैब के आंसर क्या था, ये आंसर है, विद कंडक्टिंग स्लैब आंसर क्या है, ये आंसर है। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, इसका डिनोमिनेटर कम हो गया, डी माइनस टी, उसका डी है, इसका डी माइनस टी, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये फ्रैक्शन विल
इंक्रीज, ये फ्रैक्शन बढ़ गई तो मानना पड़ेगा स्लैब डालने से नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ, हमारी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, करके भी दिखाया, इक्वेशन नंबर टू है विद स्लैब, इक्वेशन नंबर वन है विदाउट स्लैब। अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, क्या बचेगा, डी अपॉन डी माइनस टी। तो साफ पता लग रहा है डी बड़ा है, डी माइनस टी छोटा है, तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन, तो सी ग्रेटर देन सी नॉट। ये प्रूव हो गया कि कंडक्टिंग स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी क्लियर है यहां तक? अब कोई कहता है कि देखो तो बढ़िया हो गया, मैंने कहा क्या, वो कहता है टी जितना बड़ा होगा, टी जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी, फ्रैक्शन छोटी होगी कैपेसिटेंस उतनी बड़ी होगी, तो और बड़ी स्लैब को डाला जाए, टी बड़े से बड़ा रखा जाए, बड़े से बड़ा रखा जाए, इतना बड़ा रखा जाए कि स्लैब के बीच में फिट कर दो, बिल्कुल इतनी सी स्पेस ना रखी जाए। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ केस किया जाए कि ये अगर आपके पास एक स्लैब है, ये आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और मैं केस ले रहा हूँ ये डिस्टेंस डी है, और मैंने फिल कर दिया इसे किसके साथ, कंडक्टर के साथ, कंडक्टर के साथ। तो यानी कि मैंने क्या कहा, टी और डी बराबर ही कर दिए, मेरे को था कि अगर टी जितना बड़ा होगा उतना ही फायदा होगा, तो फिर ठीक हुआ, टी अगर डी के इक्वल हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो, कैपेसिटेंस क्या होगी, इन्फिनिटी। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी, आप तो दो कूलम, चार कूल, दो माइक्रोफेरेड, चार माइक्रोफेरेड, ये तो कह रहे हैं इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है, तो जितना मर्जी चार्ज स्टोर करेगा, सही है, फायदा हो गया। ओके, ये वैसा ही हुआ जैसे आपको किसी ने कहा कि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है, और क्यों इनफाइनाइट है पता है, आप यहाँ से इस प्लेट को क्या दे रहे हो, चार्ज, ये कंडक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में आ गई, सारा का सारा चार्ज किस में जा रहा है, ग्राउंड में, क्योंकि कंडक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में सारा का सारा ग्राउंड में जा रहा है, और आपको कैपेसिटर ये कह रहा है चार्ज देते जाओ, आप लगे हो चार्ज देने, वो सारा चार्ज कहाँ भेज रहा है, ग्राउंड में। बिल्कुल वैसी जैसे एक दुकान पे जाओ, उसे बोलो एक हमें बकेट चाहिए, बाल्टी चाहिए, 5 लीटर की नहीं चाहिए, बड़ी कैपेसिटी की चाहिए, वो कहता है इतनी कैपेसिटी की दूंगा, याद रखोगे, कितनी कैपेसिटी की, इनफाइनाइट कैपेसिटी, जितना मर्जी पानी स्टोर करते जाओ। तो ठीक है, बाल्टी नीचे होल करके दे दिया उसने, तो ये तो वही बात होगी, जो पानी ऊपर डाल रहे हो वो होल के थ्रू ग्राउंड में जा रहे हैं, तो होगी ना इनफाइनाइट कैपेसिटी, तो बढ़िया है। तो वही केस है, ये कैपेसिटर खराब हो चुका है, इस कैपेसिटर को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना भी चार्ज दोगे वो स्टोर करेगा ही नहीं, अल्टीमेटली किसको देता जा रहा है, ग्राउंड को। तो इसलिए इस टाइप की कैपेसिटेंस हम यूज नहीं करेंगे, हम यहीं तक रखेंगे, डी को कभी टी के इक्वल नहीं रखेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब नेक्स्ट सजेशन आया कि क्यों ना ऐसा करें कि जो कैपेसिटर है उसको और बढ़िया बनाया जाए, और बढ़िया बनाया जाए, और उस पैरल प्लेट कैपेसिटी को और इंक्रीज किया जाए। तो एक और साइंटिस्ट आता है, वो एक और नया सजेशन देता है कि कैपेसिटेंस और बढ़ा सकता हूं मैं पैरल प्लेट कैपेसिटर की, अगर आप उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब की जगह कौन सी स्लैब डाल दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्लैब को डाल दें। अब ये टॉपिक मैं आपको इसलिए सिखा नहीं सकता अभी, यह एक्सप्रेशन सीधा बता नहीं सकता, क्योंकि आपको डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर का बिहेवियर नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसे बिहेव करते हैं। आपको कंडक्टर का तो पता है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, इसलिए आपने वो स्लैब वाला फटाफट आपने कर दिया, क्योंकि जब हमने वो कैपेसिटेंस का ये टॉपिक किया तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि कंडक्टर का क्या बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब ये टॉपिक हुआ। तो आज अगर नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है कि बिहेवियर या फिर एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग स्लैब, तो हमें पहले इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझना पड़ेगा। इसलिए जो अगला टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। क्या है डाइलेक्ट्रिक्स? तो लास्ट टाइम मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक्स खास किस्म के इंसुलेटर्स हैं। एक होता है प्योर इंसुलेटर, जिसमें चार्ज ना वॉल्यूम वाइज होगा, ना एरिया वाइज होगा, ना वो कंडक्ट करते हैं, लकड़ का पीस है, उसमें चार्ज अंदर भी नहीं होने वाला। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं इंसुलेटर में जिनके अंदर वॉल्यूम वाइज चार्ज देख सकते हो आप, वॉल्यूम वाइज चार्ज होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या मटेरियल हैं? डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी करने के लिए इस टॉपिक से पहले
या एक अगर मोटा मोटा डिफरेंस मुझे बताना हो कि किसी भी कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है, तो पहला फ़र्क ये है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसके अंदर ई क्या आ जाता है, ज़ीरो। पर जब आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर ई ज़ीरो नहीं आता, उसमें ई नॉन ज़ीरो होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ ई उसमें प्रेजेंट होती है। तो पहले काम करते हैं, मैं आपको आगे स्टडी करवाने से पहले इनका पहले डिफरेंस बता देता हूँ, ये डिफरेंस है क्या। और डिफरेंस से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। आपने ये टर्म केमिस्ट्री में पढ़ी होती है, पोलर नॉन पोलर आप पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बड़ी सिंपल, कि अगर आप एक एटम लें, एक एटम लें, अब वो एटम आपने ऐसा लिया कि जिसका, क्योंकि एटम के अंदर, जैसे सपोज करो ये एक एटम लिया, इस एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होगा न्यूक्लियस की वजह से और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो जैसे हम सेंटर ऑफ मास स्टडी किया करते थे कि आप पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास का मास एक पॉइंट पर इमेजिन कर लेना, इमेजिन करना है, सेंटर ऑफ मास तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इमेजिन करना है कि सारे चार्जेस का सेंटर यहाँ पर है, और ऐसे में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, कहाँ पे, इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। मान लो एक ऐसा एटम है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है। तो अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है तो ऐसे एटम को बोलते हैं नॉन पोलर एटम, ये नॉन पोलर है, राइट। लेकिन कई एटम्स ऐसे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करता, उनमें कुछ डिस्टेंस होता है, तो ऐसे एटम को क्या बोलते हैं, पोलर एटम्स, ये पोलर है। तो अब ये पोलर नॉन पोलर ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो एटम जैसा है मैंने बता दिया कि कुछ एटम ऐसे होते हैं कुछ एटम ऐसे होते हैं, तो जिनका तो एटम बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करता है वो तो हो गए नॉन पोलर, और जिनका जिनमें दूरी होती है वो क्या हो गए, पोलर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, नॉन पोलर पोलर, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नाम याद रखने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि अब हम देखें इसमें क्या माइक्रोस्कोप की एटम की क्या स्ट्रक्चर है, नहीं हमने कुछ नहीं करने वाले, हमें ये स्टडी करना है कि ये पोलर और नॉन पोलर चाहे कैसे भी हों, अगर हमने इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अगर हमने इन एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये नॉन पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, और ये पोलर है, राइट। मैंने इनको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव ने इसके अंदर के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया और पॉजिटिव ने इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये एटम थोड़ा सा क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, खींच गया, राइट। ये एटम खींच गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको खींच दिया पॉजिटिव नेगेटिव को। तो शुरू में ये क्या था, नॉन पोलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते ये क्या हो गया, पोलर, पोलर हो गया, और जो पोलर था ऑलरेडी वो और ज्यादा क्या हो गया, पोलर। तो यानी कि नॉन पोलर भी पोलर हो गया, पोलर और पोलर हो गया। तो यानी कि ऐसे एटम्स को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या हो जाते हैं, पोलर, चाहे थोड़े हो चाहे ज्यादा हो। इस प्रोसेस को जब नॉन पोलर पोलर बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो इस स्टेप का नाम क्या है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रख दो वो क्या हो जाते हैं, पोलर। तो पोलराइजेशन, राइट। आप सोचेंगे कि क्यों स्टडी करवा रहे हैं, ये इसलिए स्टडी करवा रहे हैं क्योंकि टॉपिक का नाम है कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इस टॉपिक का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले समझाता हूं ये कर क्या रहा है। ये टॉपिक में ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटीरियल को रख दिया, कंडक्टिंग नहीं है अब, ये इंसुलेटिंग मटीरियल है। अगर आप माइक्रोस्कोप उठाएं
और उठा के देखें इसकी फोटो अंदर से कैसी दिखेगी, तो आपको अंदर हो सकता है नॉन पोलर एटम दिखें, पर क्योंकि आपने इस नॉन पोलर बहुत सारे एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये क्या बन जाएंगे, पोलर। तो देखो हर एटम स्ट्रेच हुआ पड़ा है, खिंच गया, अपनी पोजिशन पर ही है, हिल नहीं रहा लेकिन खड़ा खड़ा स्ट्रेच हो गया, ठीक है यहां तक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या हो गया, पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया यहां पर। तो आप एक चीज देखें, सारे नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो लेफ्ट की तरफ हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ हैं। तो एक लेफ्ट की तरफ है नेगेटिव और पॉजिटिव राइट की तरफ है, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, तो ये केस है। आपको बुक्स में डायग्राम ऐसे दिखेंगे नहीं, यार कौन एटम एटम बनाएगा इतने सारे, कंफ्यूजन बहुत होते, एटम बनाते रह जाएंगे डायग्राम में। आपको बुक का डायग्राम ऐसा ही दिखेगा। अब दिक्कत क्या आती है, आप इस फोटो को देखते हुए बोल नहीं सकते कि कंडक्टिंग स्लैब है या ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। आपको के डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ता है यार, आपको के इसमें ये डायग्राम ऐसे कैसे बन गया। वो क्या करता है, ये डॉट 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 देख रहे हो यार, इसको हटा दिया उसने, उसने सारे नेगेटिव को ये नेगेटिव 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 ये बना दिए, और इधर से सारे पॉजिटिव 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 उसने यहां बना दिए, पर अंदर का डायग्राम एज इट इज ही है, अंदर ऐसा ही दिखता है आपको जो दिख रहा है। कंडक्टर में ये दिखता नहीं, क्योंकि कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, भाग के उठ के इधर चले जाते हैं और इधर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कंडक्टर में ऐसा कुछ पोलराइजेशन नहीं होती। कंडक्शन में, कंडक्टर्स में क्या होती है, इंडक्शन, इंडक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है पॉजिटिव प्लेट, उसको बोलते हैं इंडक्शन। तो कंडक्टर जब वर्ड आएगा और यहां पे पॉजिटिव का नेगेटिव डेवलप होगा, और ये स्लैब अगर कंडक्टर होती तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, इंड्यूस्ड चार्जेस। लेकिन यहां पर ये जो चार्जेस है, दीज आर नॉट इंड्यूस्ड चार्जेस, ये इंडक्शन थोड़ा ना लगी, इसमें क्या लगी, पोलराइजेशन। तो ये जो चार्जेस हैं ये डेवलप हुए बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है यहां तक? अब डिफरेंस क्या है दोनों में, चार्ज तो आ तो गया प्लेट के ऊपर, डिफरेंस दिखाता हूं क्या है। ये देखो, डिफरेंस सीखने के लिए इमेजिन करो कि आपके पास ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ठीक, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये रहा, ठीक। उसी तरीके से ये भी एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये रहा, और पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक, ये दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स हैं। इसके अंदर सपोज करो मैंने एक स्लैब को बीच में डाल दिया। ये पहला केस है जिसमें स्लैब कौन सी है, कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग स्लैब है। और उसी तरीके से मैंने एक स्लैब ये देखो इसमें डाल दी, और ये स्लैब क्या है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। सबको पता है कि यहां पर कौन सा चार्ज, यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस चार्जेस के अफेक्ट को क्या बोलते हैं, दीज चार्जेस आर ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन की खास बात, अगर ये q तो ये माइनस q, ये q तो ये माइनस q, चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब आ जाए डायलेक्ट्रिक में, डायलेक्ट्रिक में अंदर एटम स्ट्रेच हो जाएंगे, जब एटम स्ट्रेच होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, अंदर ही आएगा रादर, बाहर बना दिया कोई बात नहीं, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, अंदर एटम स्ट्रेच हुए, ऐसा बनेगा डायग्राम। क्या स्टेप क्लियर है? खास बात, अगर ये क्यू है तो ये माइनस क्यू नहीं होगा, ये माइनस क्यू डैश होगा, और ये क्यू डैश क्यू से कम होगा। इसमें इसलिए बराबर है क्योंकि इंड्यूस चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, पर इसमें स्ट्रेचिंग के साथ हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो यहां पर जो चार्ज पाया जाएगा वो क्यू से कम ही होगा। क्लियर है स्टेप, डिफरेंस समझ में आ रहा है, उसमें क्यू, इसमें माइनस क्यू, उसमें क्यू डैश। अगर ये माइनस क्यू डैश है तो ये प्लस क्यू डैश, अगर ये प्लस क्यू डैश है तो ये माइनस क्यू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इंसुलेटर में या डायलेक्ट्रिक में, डायलेक्ट्रिक या इंसुलेटर एक ही बात है, तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं वर्ड, इंसुलेटर या डायलेक्ट्रिक में एंड कंडक्टर में चार्जेस डिफरेंट होते हैं,
इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट बिल्कुल भी नहीं है। पहला डिफरेंस समझ में आया, दूसरा डिफरेंस समझो। सेकेंड डिफरेंस है, आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की वजह से अप्लाई किया, कितना? सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया 10, ये इन ब्लैक प्लेट्स ने अप्लाई किया, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डेवलप करेंगी प्लस से माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू बोलो कितनी डेवलप होती है? कंडक्टर में ई क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या डेवलप होगी? 10। अब अगर कोई पॉइंट कंडक्टर के अंदर है तो बाहर का फील्ड इसके ऊपर वैल्यू क्या लगा रहा है? 10। अंदर का इसका अपना फील्ड भी वैल्यू कितनी लगा रहा है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10। तो दोनों वैल्यूज बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या आ जाएगा? 0, राइट? तो बाहर का फील्ड और अंदर का फील्ड अपनी वैल्यू को हमेशा क्या करता जा रहा है? कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? 0। इसलिए कंडक्टर के अंदर नेट ई 0। क्या स्टेप क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर ये वाले एक बार बता देखो, कैंसल। ये बताया कि सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया, बाहर कितना अप्लाई किया? 10। इंडक्शन से चार्जेस आ गए, इंड्यूस चार्जेस ने उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कितना? 10। लेकिन अगर कोई पॉइंट इसके अंदर कंडक्टर के अंदर लें, इट विल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट अफेक्ट यहां पर डेवलप होगा। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10। तो इस पॉइंट पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या होगा? 10। इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10। 10 एंड 10 कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक। ये तुमने लास्ट टाइम भी किया था, सुनने वाली चीज ये नहीं है, सुनने वाली तो वो है, क्योंकि उसमें ये अफेक्ट कैंसिल होता नहीं है, क्योंकि चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट डेवलप होते ही नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैंने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डेवलप किया, कितना? 10। तो इसके अंदर उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस एंड माइनस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं रखूंगा ईपी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, दिस वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन। तो कंडक्टर में क्या वर्ड यूज करते हैं? इंडक्शन। और डाइलेक्ट्रिक में क्या यूज करते हैं? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से यहां पर ये फील्ड डेवलप हुआ, कितना? 8। कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि चार्जेस इसमें थोड़े से वीक है, कम है, उसमें क्यू एंड माइनस क्यू है, इसमें थोड़े कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ये चार्जेस डेवलप करेंगे थोड़ा सा कम डेवलप करेंगे। तो सोचो अगर कोई पॉइंट इस डाइलेक्ट्रिक में लिया जाए, बाहर का फील्ड इसमें क्या डेवलप कर रहा है? 10। और अंदर का अपना फील्ड इस पॉइंट पर वैल्यू क्या लगा रहा है? 8। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें क्या होगी? 10 माइनस 8 कितनी? 2 टूवर्ड्स राइट। सुपरपोजिशन में तो यही है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट ई 0 नहीं होता, कंडक्टर में नेट ई 0 होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? कम चार्ज डेवलप होते हैं इसमें, क्यू डैश कम है, उसमें बराबर है, तो बराबर चार्ज बराबर फील्ड डेवलप करेगा, कमजोर चार्ज कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्लियर है यहां तक? अब असली चीज सुनो इसके बाद, जो अब सुननी है, कि अगर मैं यहां पे कंडक्टर के अंदर एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं के, के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किया था हमने। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, यही था ना, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। तो सेम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है? अब नई डेफिनेशन सुनो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया? ई नॉट अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर डेवलप हुआ।
तो नई डेफिनेशन है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि कितना आपने फील्ड अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया इसमें ई नॉट, और कितना फील्ड इसके अंदर नेट रह गया, कितना ई नेट। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के करके देखें तो K इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना है 10, और नेट वैल्यू अंदर कितनी है, तो K क्या आएगा इन्फिनिटी। आपको अगर फर्स्ट लेक्चर याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक लिखवाया था कि मेटल्स का या कंडक्टर्स का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। मैंने रीजन नहीं दिया था, ये रीजन है उसका कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ ब्रास या फिर ऑफ अ कोई भी कंडक्टर, उसमें एग्जाम्पल यूज भी होते थे, इज ऑलवेज इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है क्यों? लेकिन डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी इंसुलेटर का निकालें, यहां पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2, तो इस मटेरियल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। यानी कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म कहां से आ रही है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म आ रही है कि कोई भी मटीरियल डायलैक्ट्रिक स्पेशल इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, उस बिहेवियर के ऊपर ये वैल्यू डिफाइन की जाती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि K की वैल्यू किसी भी डायलैक्ट्रिक मटेरियल की डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि वो डिफरेंट बिहेव करेगा, उसकी पोलराइजेशन डिफरेंट होगी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां से K को डिफाइन किया जाता है। क्लियर यहां तक? ठीक, तो K को अगर हम डिफाइन कर लें, या चलो यही ये ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, तो इसके अंदर जो नेट वैल्यू आई थी इसमें, ये इस डायग्राम में ये जो नेट वैल्यू आई वो अप्लाइड वैल्यू से कम आई, 2 आई ना नेट वैल्यू, अप्लाइड वैल्यू कितनी थी 10, कम आई, इसको नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या कभी कभी इसे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। कम वैल्यू नेट वैल्यू एक ही बात है, रिड्यूस्ड वैल्यू या नेट वैल्यू एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि इसमें जो नेट वैल्यू आती है वो रिड्यूस होके आती है। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो, तो टॉपिक का नाम क्या है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ आया रिडक्शन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि डायलैक्ट्रिक के अंदर ई की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इसलिए नाम क्या है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन। समझ में आया रिड्यूस वैल्यू क्यों पाई गई, क्योंकि अंदर क्या हो गई, पोलराइजेशन ऑफ किसकी, कंडक्टर की तो बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, डायलैक्ट्रिक के। तो मैंने बोला था ना टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, एक इस पूरी लाइन के अंदर बहुत चीजें छुपी हुई हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको याद नहीं कर सकते हो फिजिक्स को, कि मैं याद करके जाऊंगा, ये डेरिवेशन आएगी तो मैं ऐसा लिख दूंगा, क्या इसको कौन याद, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा याद। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि रिडक्शन क्यों वर्ड यूज, पोलराइजेशन क्यों यूज हो रहा है, तो वो समझ में आता है। तो इसमें ये डायग्राम समझ में आ रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ईपी का मतलब उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईपी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट माइनस ई पी, इसका दूसरा नाम क्या है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्लियर है? इसके बाद के को डिफाइन किया, के क्या चीज है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्लियर है? रिड्यूस वैल्यू है, नेट वैल्यू किसके इक्वल है, ई नॉट माइनस ई पी। तो डेफिनेशन क्लियर है? और अब अगर मैं पीछे जाऊं इस टॉपिक में थोड़ा, वो पहले होना चाहिए, अब ज्यादा इजिली समझ में आएगा। वो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा था कि जब कंडक्टर को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और इंसुलेटर को रखा जाए या डायलैक्ट्रिक को रखा जाए, तो क्या फर्क है। अब फर्क समझ में आएगा। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है टूवर्ड्स राइट, इसके अंदर इंडक्शन हो जाएगी,
इंडक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में E नॉट एंड E इंड्यूस की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, सेम, ताकि नेट वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। डाइलेक्ट्रिक में E नॉट है लेकिन अंदर क्या है, E इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड वर्ड लिख गया वैसे, इसको E P लिखना चाहिए, लिखने तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। इसमें जो वैल्यू E इंड्यूस्ड है वो लेस देन E नॉट है, वैसे मैं इसको E P लिखना पसंद करूंगा, कन्फ्यूजन नहीं होती ना, इंड्यूस में कन्फ्यूजन हो जाती है, ई पी में कन्फ्यूजन नहीं है, ई पी में पता है कि पोलराइजेशन से चार्जेस आ रहे हैं। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से इस केस में कम ही आएगा, कोई डाउट इसमें? नहीं, उल्टा बोलो, प्लेट्स का जो चार्ज है अगर क्यू है तो डाइलेक्ट्रिक का कम होगा, डायलेक्ट्रिक का हमेशा कम होगा हर केस में, कंडक्टर में हर केस में इक्वल होगा, यही डिफरेंस है। ठीक है यहाँ तक? तो ये भी समझ में आ गया टॉपिक, पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया। हालांकि इसने केमिस्ट्री समझाने की कोशिश की, पर मेरे को डायग्राम भी मैंने लिया केमिस्ट्री में, याद है वाटर का मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल, वो पोलर होता है, नॉन पोलर एक्सप्लेन करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर आपको समझ में आ गया वो पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगेन विद इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले हमने कौन सी स्लैब डाली थी, कंडक्टिंग, तो हमने कैपेसिटेंस निकाली थी, अब हम क्या डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब में क्या हुई थी, इंडक्शन, इसमें क्या होगी, पोलराइजेशन, और हमने इसकी अब नई कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक, तो अगर आप इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो इसमें डायग्राम में थोड़ा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस एंड माइनस, ये प्लस है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो बाय पोलराइजेशन नॉट बाय इंडक्शन, ये देखो एटम स्ट्रेच हुए, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इससे कमज़ोर होगा, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। ये ना लाइन कट की हुई है, इसको प्लीज मिटा लो, इसे मिटाना भूल गया, इसे ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही, प्लीज़ इसको हटा लो, प्लीज़ मैं स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं ये भूल गया, इसको डिलीट करना भूल गया, प्लीज़ ये लाइन नहीं एग्जिस्ट करती, इसको हटा लें प्लीज़। ठीक है, ठीक, देखो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना अप्लाई किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे E नॉट, जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का था, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, इसके इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ, E, और E किसके इक्वल होता है, E नॉट माइनस ई पी, बताया मैंने E नॉट माइनस ई पी, ये भी क्लियर है। तो ये स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में थिकनेस कितनी है, डी, डी और टी, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप कैपेसिटेंस, अगर ये स्लैब ना डाले तो कैपेसिटेंस क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, पर आपने स्लैब डाल दी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू, जो भी आपने यहाँ पर चार्ज दिया क्यू, उसको इन प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर आप क्यू को इन प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी इसकी नई कैपेसिटेंस। अब एक काम करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में यहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, ई नॉट, और ये रीजन की थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट ई, और थिकनेस कितनी है इसकी, टी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ई इंटू टी, ये भी क्लियर है यहां तक? तो कंडक्टिंग स्लैब में बस एक ही फर्क था, ये ई जीरो था तो ये टर्म नहीं आती थी, इंसुलेटर में ये टर्म आ जाती है। तो फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ई नॉट है, ई नॉट है, और ये डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना है, ई, और ये डिस्टेंस कितना है, टी, ये स्टेप क्लियर है, बस यही स्टेप मेन है इसमें। अब ये ई है क्या, ये डायलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं,
और मैंने आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिखाया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या चीज है, ई नॉट अपॉन ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई क्या आ गया, ई नॉट बाई के, तो आप इस ई की जगह पुट करेंगे ई नॉट बाई के, ई नॉट यहां से कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटर की प्लेट्स में ई नॉट क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है चार्ज बाय एरिया, तो आप कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्यू को इस पूरे ये देखो सिग्मा को चार्ज बाय एरिया, तो कैपेसिटेंस क्या होगी क्यू डिवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू को इससे डिवाइड कर दें, तो क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसल, एप्सिलॉन नॉट है ऊपर आ गया, तो यहां से माइनस टी कॉमन आ गया, माइनस टी कॉमन आगे क्या बचा वन माइनस वन बाई के, तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब बीच में डाली जाए जिसकी थिकनेस टी है तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इनटू वन माइनस वन बाई के। क्या ये स्टेप क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इसे यूज करना है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसको फॉर्मूले को याद भी करना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। ठीक है, अब कोई ये कहता है क्यों ना ऐसा करें पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक ही डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक ही डाइलेक्ट्रिक भर दो, ये भर दिया यानी कि T इज इक्वल टू D सेम थिकनेस, तो अब देखें क्या हुआ, तो जब मैंने इस फॉर्मूले में T को D पुट कर दिया इसे ओपन किया, D से D कैंसिल, आंसर ये आ गया, तो देखने वाली बात क्या है बिना स्लैब के आंसर ये था, पूरा डायलैक्ट्रिक भर दो T इज इक्वल टू डी, एक एक स्पेस भर दो, पूरा फिल कर दो कैपेसिटर को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा K टाइम्स, क्या सही चीज है, बिना स्लैब के ये कैपेसिटेंस, डायलैक्ट्रिक भरने के बाद कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स। अब सोचो आपने आपकी बिना स्लैब के कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है, आपने एक ऐसा मटीरियल ढूंढ लिया डायलैक्ट्रिक जिसकी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 80 है, तो जब उस मटेरियल को आप कैपेसिटर में भर देंगे आपकी कैपेसिटेंस विल बिकम 80 टाइम्स, उसी जगह में 80 गुना ज्यादा चार्ज आएगा, सही है। अच्छा चलो आपने एक ऐसा मटेरियल ढूंढ लिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1000, हजार गुना ज्यादा बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी उसी की, छोटे से कैपेसिटर की, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरी स्लैब को या पूरी जो प्लेट्स हैं उसको फिल कर दो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, सबसे सही तरीका यही है, तो अगर आप इन्हें डिवाइड करें तो आप चेक कर सकते हैं आपकी नई कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम बिना स्लैब के कैपेसिटेंस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब देखने वाली बात क्या है कि हमने एक चीज नोट की कि जो कैपेसिटेंस है, पहले हमने सिर्फ एक स्फेयर की निकाल ली जिसका फॉर्मूला था 4πε0r, फिर हमने पैरेलल प्लेट की निकाल ली ε0a/d, पैरेलल प्लेट विद स्लैब निकाल ली ε0a/d-t, विद अ डायलैक्ट्रिक निकाल ली, फॉर्मूला चेंज हो गया। अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे, स्फेरिकल आप कहोगे कैपेसिटर बना तो लिया था, नहीं वो एक आइसोलेटेड स्फेयर था, ये स्फेरिकल कैपेसिटर विच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें दो शेल्स लेंगे, एक ये शेल एक ये शेल, और इसको अर्थ कर देंगे ए का रेडियस ए, ए का रेडियस बी, तो इसके ऊपर हम चार्ज देंगे क्यू बाय इंडक्शन, इसके अंदर की तरफ चार्ज क्या आ जाएगा माइनस क्यू, ये जो स्फेयर है ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कौन सा पोटेंशियल होगा पॉजिटिव वी प्लस, और ये नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा पोटेंशियल है वी नेगेटिव, राइट। तो रूल क्या है, अगर आपको इनका क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस के लिए लगाएंगे क्यू डिवाइडेड बाय इनका आपस में पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी तो बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे, तो अगर मैं आपको ये ढूंढ दूं तो आंसर आ जाएगा सी का। तो ये ढूंढने के लिए डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, वही पुरानी माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर अगर आपको यूज करना है तो
तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव और मैं इसी डायरेक्शन में चलता हूं, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, इनिशियल, और ये क्या हो गया, फाइनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या आएगा, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या, माइनस ई डॉट डी आर। ई कहां पर है, यहां पर है, ई की जो वैल्यू है, जो ई है उसकी वैल्यू कहां पर है, यहां पर है, डी आर कहां पर है, यहीं पर है, क्योंकि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो दोनों में ये एंगल क्या होगा, जीरो। अब ई की वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर चेंज होगी, तो कोई भी आर डिस्टेंस पे ई क्या होगा, आउटर शेल तो ई लगाएगा नहीं अंदर, आउटर शेल तो ई जीरो लगाता है, इनर शेल लगाएगा 1/4 πε0 q/r2। तो ई को पुट कर दिया, कहां से कहां जाना है, ए से लेके बी तक, तो लिमिट क्या लगाई, ए से लेके बी तक। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, 1/4 πε0 q बाहर आ गया, क्या बचा, आर की पावर -2। आर की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या है, आर की पावर -1/-1। क्लियर है यहां तक, ए से लेके बी, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ये स्टेप क्लियर है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे से क्या निकल गया, v माइनस माइनस v प्लस, मुझे क्या निकालना है, उल्टा। तो इसको उल्टा करो, तो इसको भी उल्टा करो, तो a वाली टर्म आगे, b वाली टर्म पीछे, तो ये स्टेप क्लियर है, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, q डिवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को नीचे, q से q कैंसल, सॉल्व करके आंसर, ये फॉर्मूला याद करेंगे कि एक स्फेयर या स्फेरिकल कैपेसिटर, कंसेंट्रिक जो शेल्स हैं उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है, 4πε0 ab/b-a। सब क्लियर है यहां तक, ठीक है। मेंस या नीट में मैंने देखा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ ये ऑप्शन दिया हुआ है मार्क करने को, बोलो आंसर क्या होगा, ऐसे भी आ जाते हैं कॉम्पिटिशन में, देखा है क्वेश्चन ये, मतलब एनसीईआरटी डेरिवेशन तो है ही है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बुक्स में दिखेगा, यही मार्क करने को आ गया। तो मैंने बोला कई बार बहुत आसान भी आता है, कई बार इसके भरोसे मत रहना, कई बार मुश्किल भी आता है, आसान एवरेज और मीडियोकर तीनों में क्वेश्चन पेपर बनेगा, पर ऐसा भी आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब आप कहीं मार्केट में जाएंगे और दुकानदार को कहेंगे कि भैया कैपेसिटर देना, वो आपसे पूछेगा दो चीज़ें, एक कितने माइक्रोफेरड का कैपेसिटर चाहिए तेरे को, दूसरा कौन सा चाहिए भैया डिटेल में बता, सिलेंड्रिकल चाहिए, स्फेरिकल चाहिए, पैरेलल प्लेट चाहिए, यानी कि शेप के साथ भी कैपेसिटेंस चेंज होती है और वैल्यू के साथ तो कैपेसिटी है ही है, चेंज हो रही है, तभी तो वो हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, हम शेप चेंज करी जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट विद कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल आ गया, ये देखो कैपेसिटर। तो इससे फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू शेप से चेंज होती है। और ये टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो वो क्या कहता है, अब हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेंगे, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, ये मैंने ले लिया एक सिलेंडर, ये देखो ये ले लिया, ठीक। अब क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है कि एक नहीं लेंगे, दो लेंगे, एक और ले लेंगे, ये एक और सिलेंडर अंदर इनसाइड ले लिया, ये देखो ये ले लिया, ठीक। चार्ज सिर्फ इसको देंगे, बस इसकी सरफेस पे चार्ज देंगे q, तो बाय इंडक्शन यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस q, और इसको क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, राइट, सेम स्टाइल है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन से पोटेंशियल पे होगा, v प्लस, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये किस पे होगा, v नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालूं, क्यों मैंने चार्ज तो अंदर ही दिया था, तो q को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इससे, तो आंसर आ जाएगा। तो यानी कि एक बार फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जब मैं पोटेंशियल का डिफरेंस लूंगा, तो मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं प्लस से माइनस,
तो ये मेरा कौन सा पॉइंट माना जाएगा इनिशियल, और ये मेरा कौन सा पॉइंट माना जाएगा फाइनल। तो मैं बाय डेफिनेशन, फिर से वही प्रॉब्लम, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेफिनेशन, क्या यूज करूंगा, ई डी आर कॉस ऑफ जीरो, ई भी इधर डी आर भी इधर, सेम वही रूल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर मैं यहां पे जाऊंगा, क्योंकि इसका इनर रेडियस ए है मान लो, इसका आउटर रेडियस बी है, तो जैसे जैसे मैं इसके सेंटर से दूर जाऊंगा ई की वैल्यू क्या होगी, इसमें चेंज होगी आर के साथ। अब स्फेयर का ई का फॉर्मूला तो होता है मुझे याद, लेकिन सिलेंडर की वजह से ई मुझे याद नहीं है। क्या किसी को याद है कि एक सिलेंडर पोर्शन कितना ई लगाता है, मेरे को याद नहीं है। शेल का याद है, स्फेयर का याद है, सिलेंडर का याद नहीं है। याद क्या करोगे, है ही नहीं, हमने किया ही नहीं है, ठीक। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह कि पहले हम क्या करेंगे, ई निकाल लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे ई डॉट डी आर में क्या चाहिए होगा, ई चाहिए होगा, और ई की वैल्यू अंदर चेंज हो रही है। तो पॉइंट नंबर वन, मैंने दो ब्लू कलर के सिलेंडर लिए, एक्चुअल सिलेंडर, इसके अंदर क्यू चार्ज है, बाय इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज है, मुझे ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो अगर मुझे ई डिस्टेंस निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है डिस्टेंस ऑफ आर, तो आई विल टेक अ गॉशियन सरफेस, याद है फ्लक्स, तो आई टेक अ गॉशियन सरफेस, ये पिंक कलर की गॉशियन सरफेस है। इस गॉशियन सरफेस में ई और डी आर, तो ई और डी एस रादर, तो फ्लक्स क्या होगा इसका, ई डी एस कॉस जीरो, इंटीग्रेशन करेंगे टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू टू पाई आर एल, आर एल क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ सेंटर इज एल और रेडियस इज सपोज आर, तो टू पाई आर एल, एंड टोटल फ्लक्स कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यार अगर फ्लक्स आता है तो दो ही तो स्टेप्स हैं, पहला फ्लक्स निकालने का तरीका ई इंटू एरिया, और फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वेट करके ये ई आ गया। अगर आप ये प्रूफ नहीं बीच में करना चाहते, मान लो पेपर में आ गया, प्रूफ नहीं करना, तो एटलीस्ट आप ई का फॉर्मूला तो याद करके जाओगे, फिर ये तो चाहिए होगा। अब मेरे ऐसे बंदे को याद नहीं, तो मैं दो लाइनें लिखूंगा, पहले ये लिख लूंगा फिर ये लिख लूंगा, इक्वेट करके ई आ जाएगा। ये तो याद करने के अपने अपने तरीके हैं, मेरे को याद नहीं पर मैं बना सकता हूं, तो ई आ गया। अब शुरू करते हैं, अब फिर वही चीज, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ई डी आर कॉस जीरो, राइट। E की वैल्यू जो ऊपर से निकाली वो नीचे पुट कर दी, कांस्टेंट बाहर आ गए, कहां से कहां जाना है, ए से बी पे जाना है, तो लिमिट क्या लगाई, ए से बी। 1 बाय आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ आर, एल ऑफ एन का नेचुरल लॉग्स, नेचुरल लॉग का बेस क्या माना जाता है, ई। तो एक बार यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे बी, एक बार लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए, क्योंकि मेरे को उल्टा निकालना है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये आंसर आ गया, लॉग बी माइनस लॉग ऑफ ए इज लॉग ऑफ बी बाय ए, तो ये टर्म आ गई। सी क्या होता है, क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पूरी पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोमिनेटर में ले गए, क्यू से क्यू कैंसिल आंसर, तो नेचुरल लॉग है। अगर लॉग टू द बेस 10 बनाना है, तो मैथ्स का रूल है 2.303 से क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको यहां तक, ठीक है। ये तो है थ्योरी की बातें, आर आर तो आर्बिट्री पॉइंट है, बिकॉज ई इज चेंजिंग विद द फंक्शन ऑफ आर, वो तो लिमिट में पुट करेंगे, ये और भी ई तो चेंज हो रहा है ना आर के साथ, वेरिएबल ही है, तभी तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है। ये तो थी थ्योरी की बातें, अब जो हम करने जा रहे हैं वो अब थोड़ी समझने की बातें हैं। तो वो कैपेसिटर ऐसा तो ना चलेगा, ये कर लिया हाँ हो गया, ये कर लिया, कुछ तो है कैपेसिटेंस में। क्या रिकॉर्डिंग अगर आप स्कोरहेड पे देखोगे तो खूब सारी रिकॉर्डिंग है कैपेसिटेंस की, सबसे बड़ा टॉपिक अगर आप वीडियोज में देखोगे तो कैपेसिटेंस का ही दिखेगा आपको। एक स्टूडेंट कह रहा था कि ये तो खत्म ही होने वाला गया यार, ऐसे कैसे बड़ा हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि सीरीज और पैरेलल के जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, चार डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक है एक, जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, टाइम मुझे नहीं लगेगा, टाइम आपको लगेगा, प्रैक्टिस करने का टाइम न्यूमेरिकल का आपका है। तो अगली बार से क्लास में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस होने हैं हमारे, और आज का लेक्चर भी एनसीईआरटी का है, नेक्स्ट लेक्चर हम एनसीईआरटी को क्लोज करेंगे या एक असाइनमेंट की फॉर्म में दूंगा, ताकि एनसीईआरटी लेवल हमारा एकदम क्लोज हो जाए,
फिर अगली जो शीट्स आएंगी वो फिर थोड़ा थोड़ा कंपनी के साथ आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चलेगा। तो आप बड़े ध्यान से समझना जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक सेकेंड देना।
जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जो हमने चार्ज दिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसकी वजह से लेते हैं। देखो अब ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बैटरी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी गेम ये बैटरी की चलेगी। अब यहां से लेके आगे की जो कैपेसिटर की जर्नी है ना टोटल अंडरस्टैंडिंग है, टोटल मतलब सिर्फ समझना ही है, कुछ याद करने वाला कुछ नहीं है। देखो पहला रूल, बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी लेंथ बड़ी होगी, नेगेटिव का छोटी होगी। यहां पर जो पोटेंशियल है मान लो वो V2 है, 10 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, और यहां पर V1 है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, V2 माइनस V1। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको या तो V से रिप्रेजेंट किया जाता है या E से रिप्रेजेंट किया जाता है। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, E का मतलब है EMF, EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें बताऊंगा, फिलहाल आज की डेट में V और E में कोई फर्क आपके लिए नहीं है। आप मार्केट जाएं, आप 10 वोल्ट का सेल लेके आए, वो 10 वोल्ट क्या है, वो V2 माइनस V1 है, उसकी EMF 10 है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के डिफरेंस की वैल्यू 10 वोल्ट है। पहला रूल। दूसरा रूल, ये जो रूल है इसमें इसको 2 मिनट बाद बताऊंगा, इसको यूज करके दिखाऊंगा, अभी इसको इसके ऊपर आता हूं मैं। लेकिन जो मेन चीज है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है इस चैप्टर में वो है कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। उसको स्टार्ट करने से पहले भी एक और रूल है, आपने ओम लॉ पढ़ा होगा। ओम लॉ में ये मान लो एक रेजिस्टर है, ये मान लो टर्मिनल V1 पोटेंशियल पे और ये V2 पे है, एक वायर है, यहां पोटेंशियल लगाया V1, यहां लगाया V2। मान लो V1 बड़े पोटेंशियल पे है, V2 छोटे पोटेंशियल पे, ऐसा नहीं करना V2 है तो 2 बड़ा है, V1 है तो 1 छोटा है, ऐसा नहीं होता, ये तो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। तो V1 मान लो बड़े पोटेंशियल पे है, V2 मान लो छोटे पोटेंशियल पे है, तो चार्ज विल मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज कहां जाएगा, V1 से V2 जाएगा, कब तक, जब तक पोटेंशियल दोनों का क्या नहीं हो जाता सेम। कौन सा चार्ज आएगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू, और नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। तो नेगेटिव चार्ज इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तार में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी है वो तो ना मूव करती है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे, लोअर से हायर, तो करंट कहां मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया तो करंट यहां गया, मालूम है ये चीज, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन कहां पर है, इस तरफ है, तो करंट इस तरफ है। या एक और शॉर्टकट है, करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट चलो वो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। मान लो करंट इसमें मूव कर रहा है, ओम्स करके एक साइंटिस्ट था जिसने अपना लॉ बनाया जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बड़े में से छोटा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या, करंट इंटू यहां की रेजिस्टेंस R। आपने याद किया हुआ है V इक्वल टू IR, वो V पता है क्या है, वो V है V1 माइनस V2 को V बोलते हैं, पर एक्चुअल में वो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सिखाना चाहता क्योंकि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है वो उस चैप्टर में करेंगे। मुझे ये सिखाना है कि मेरे को ओम लॉ लगाना है एक ऐसी वायर में जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये एक वायर ले ली जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो आर जीरो हो गया। जब आर इसमें जीरो हो गया तो V1 माइनस V2 क्या हो गया, जीरो, V1 माइनस V2 क्या हो गया, जीरो, तो V1 किसके इक्वल हो गया, V2। तो ऐसे केस में पहला रूल, अगर एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है तो रूल नंबर 1, उसके दो कोनों का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्लियर है यहां तक? तो अगर कोई वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, एक कोना अगर 10 वोल्ट पे है तो दूसरा कोना भी 10 वोल्ट पे रहेगा, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? पहला रूल क्लियर है। वापस चलें इस पे, ये रही बैटरी, बैटरी लगाई और ऊपर कैपेसिटर लगाया, मैं कैपेसिटर को चार्ज करवाना चाहता हूं बैटरी से, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है,
मान लो ये वी वन पोटेंशियल पे है, मान लो ये वी टू पोटेंशियल पे है, तो ये प्लस है, ये वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। तो अगर ये वी वन पे है तो ये भी ऑटोमेटिकली वी वन पे हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? और वैसे ही अगर ये V2 है तो ये इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये V2 है तो ये भी V2 है। अब बैटरी क्या कर रही है इसमें? बैटरी वर्क डन करती है, बैटरी काम करती है। बैटरी का काम चार्ज को हेर फेर करने का है, बस इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर। वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, मैंने बताया था केमिकल एनर्जी को बाहर निकालती है और एनर्जी प्रोवाइड। कैसे बैटरी क्या करती है? ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन चुरा लेगी, खींच लेगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और उठा के किसे देगा? इसको दे देगा। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अट्रैक्ट कर लिए, तो यहां पर क्या हो गई? डेफिशिएंसी। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो अगर बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके किसको दे दिया? इसको। तो कौन सा चार्ज आ गया? माइनस क्यू। जब तक बैटरी में जान है, जब तक उसमें केमिकल एनर्जी बची हुई है, तब तक ये सिचुएशन रहेगी। बैटरी वीक हो गई, बैटरी डेड हो गई, ये फटाफट उठेंगे अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करके, कैपेसिटर भी अनचार्ज हो जाएगा, छुट्टी। जब तक बैटरी है तब तक ठीक है, नहीं है तो गई। पॉइंट समझ आया? बैटरी क्या कर रही है? तो बैटरी ने कितने चार्ज को घुमाया? क्यू चार्ज को। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये रहा। तो बैटरी ने क्या किया? वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऊपर देखा था आपने, मैंने एक पॉइंट नहीं डिस्कस किया था ये वाला। तो बैटरी क्या करती है? कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज उठाएगी क्यू और दूसरी प्लेट पे डाल देगी, तो क्या करेगी? वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ भी बोलते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन किसके हैं? वर्क डन के। कोई डाउट इसमें? करंट नहीं फ्लो करता इसमें, कैपेसिटर की चार्जिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका। करंट कहाँ है? करंट दिखाया ही नहीं मैंने, कोई करंट नहीं है। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, करंट नहीं है। आप हो गए यार, ये अजीब सी बात है यार, चार्ज फटाफट मूव कर गया और करंट नहीं है, अजीब लगता है ना। अब इसका आंसर देता हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में वायर ऐसी होती नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस ना हो, ऐसी तो तार नहीं होती जिसकी रेजिस्टेंस ना हो, पर क्योंकि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, तो हम जितने कैपेसिटर्स पढ़ेंगे उसमें वायर की रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स उसमें कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे, फिर तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उसमें करंट दौड़ेगा। अब करंट का दूसरा एक्सप्लेनेशन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इतनी जल्दी होते हैं, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड करंट जाता है, उसके बाद ये फुली चार्ज हो जाता है तो करंट जीरो हो जाता है। अब आप कहोगे सर थोड़ा तो गया, जब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गया करंट तो गया ना। हाँ गया, लेकिन आपके जो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैट्स में है वो उस सिचुएशन को कवर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जितना ये आपको कैपेसिटर फुली चार्ज दिया होता है, मतलब ये नहीं कि आपने स्विच ऑन किया, आपने आप देखेंगे आगे जाके ना क्वेश्चन आएंगे स्विच ऑन ऑफ के, उसके अंदर चक्कर पड़ता है। आपने ऑन किया इसका मतलब करंट दौड़ा शुरू में और बाद में करंट खत्म हो गया, ये भी आने वाले हैं क्वेश्चन। तो अभी इसमें स्विच नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये फुली चार्ज है, लेकिन हाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट गया होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए होंगे, उसके बाद जीरो हो गया होगा क्योंकि करंट लगा बंद हो। ये सिचुएशन जो हम पढ़ेंगे वो ये सिचुएशन है जो करंट गायब हो गया, ठीक है, हम करंट्स को स्टडी नहीं करेंगे इसमें। कोई डाउट इसमें? पूछो क्यों पानी ऊपर से नीचे को गिरता है? नेचर का लॉ भी तो कोई नाम की चीज है। अच्छा ठीक है, अब पूछ ही रहे हो तो सुन लो। मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मेरे को कहां जाना है? मैं लोअर पे हूं, मैं हायर पे जाऊंगा। हायर पोटेंशियल कौन सा होता है? पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव को अट्रैक्ट हो जाऊंगा। अब ठीक है, ठीक। इसलिए देखो, तो इसमें अब एक चीज बड़े ध्यान से देखना, कैपेसिटर्स को मैं किस में लगाऊंगा? इन सीरीज। ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको जरा ध्यान से देखना। मान लो ये आपके पास कैपेसिटर है, ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है, ये आपका तीसरा कैपेसिटर है, ये वायर है, ये बैटरी है, ये वायर है,
ये वायर है और ये वायर है, ये वायर है और ये वायर है, ठीक। इसमें इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि ये जो टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका कोई पोटेंशियल, इसका कोई पोटेंशियल, मान लो कि ये V है और ये 0 वोल्ट है, मेरी मर्जी मैं V1 लूँ V2 लूँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, V माइनस 0 इज V। अब V1 V2 भी ले सकते हो, इट्स ओके, चलेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं ये बताने जा रहा हूँ ये कैपेसिटर्स है C1 C2 C3 तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कंडक्टिंग प्लेट है ना, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा और किसको देगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो मान लो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर क्या आ गई, डेफिशिएंसी, तो कौन सा चार्ज आ गया, प्लस क्यू। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल के इसको दे दिए इसने, ये लो ये आ गए, तो सेम चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू। बैटरी ने काम कर दिया, बाकी काम इंडक्शन कर देगी, देखो ये पॉजिटिव है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इस कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये पॉजिटिव, और सारे इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। बाय इंडक्शन सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींच के आ गए तो यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी। अब देखो ये, देखो ये स्टेप देख रहे हो, चार्ज सभी कैपेसिटर्स पे क्या हो गया, सेम। इसका मतलब अगर कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो चार्ज हर प्लेट पे क्या रहता है, सेम, हर कैपेसिटर में सेम चार्ज आ जाता है, राइट। अब अगर ये V है, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो अगर ये V है तो ये भी क्या हो जाएगा, V। अगर ये 0 है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी किसमें, वोल्ट पे आ गया, 0, राइट। अगर मैं आगे या एक मिनट के लिए मैं ऐसे डिस्कस करूं कि मान लो इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है V3, आप हो गए, आपको कैसे पता लगा ये डिफरेंट है, चार्ज इसमें क्यू है, मान लो इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है, तो वी क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या, C1 इंटू V1, तो V1 क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय C1, तो फर्स्ट कैपेसिटर की V1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या आएगा, क्यू बाय C1, सेकेंड में क्या आएगा, V2, क्यू डिवाइडेड बाय C2, थर्ड में क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय C3। अब क्यू तो सेम है, सी तो सेम नहीं ना, इसलिए वी की वैल्यू भी तीनों कैपेसिटर्स में क्या रहेगी, डिफरेंट, क्योंकि सी डिफरेंट है, राइट। अब अगर ये टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी था, इसका V1, इसका V2, इसका V3, तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों कैपेसिटर्स के बीच में, ये चीज क्लियर है। मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूं कुछ यहां से, ये V और ये 0, V1 V2 V3 C1 C2 C3 प्लस माइनस चार्जेस क्लियर, क्यू 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 क्लियर। अब इसमें अगर ये V है तो ये भी V है, क्यों, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी V, ये भी V, ये 0 है तो ये भी 0 है, मान लो ये V डैश है, मान लो कोई भी पोटेंशियल इसका V डैश है, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और अगर ये V डैश है तो ये भी V डैश है, क्योंकि वायर की कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो दो एंड्स के पोटेंशियल की वैल्यू विल रिमेन सेम। मान लो ये V डबल डैश है, तो ये भी कंडक्टर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो V डबल डैश V डबल डैश है, सेम कर दिया। ये बताओ इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस V डैश, यानी कि V1 को क्या लिख सकते हैं, V माइनस V डैश, V2 को क्या लिख सकते हैं, V डैश माइनस V डबल डैश, V3 को क्या लिख सकते हैं, V डबल डैश माइनस 0, मैंने लिख दिया। जब मैंने इन्हें ऐड किया तो वी डैश से वी डैश, वी डबल डैश से वी डबल डैश कैंसल, आंसर वही आ गया जो मैंने आपको बताया। तो ये जस्ट इसका प्रूफ था कि वी किसके इक्वल होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, आपको करने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए बनाया। तो क्लियर है यहां तक, तो ये बताओ कि अगर सीरीज में कैपेसिटर है तो चार्ज क्या रखेंगे सब में, सेम। फर्स्ट कैपेसिटर में V1 क्या है, क्यू बाय C1, सेकेंड में क्यू बाय C2, थर्ड में क्यू बाय C3। टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 की जगह क्यू बाय C1, क्यू बाय C2, क्यू बाय C3, क्यों नीचे आ गया। अब अगर मैं इन तीन कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर लगाऊं जो वो काम करे जो तीन मिलके करते हैं, तीन मिलके क्या करते हैं, तीन कैपेसिटर्स मिलके क्यू चार्ज को स्टोर करते हैं, बैटरी तो वही है V,
तो मान लो तीन की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया सीएस, हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। तो इस कैपेसिटर के लिए क्यू इज इक्वल टू सी एस इंटू वी, तो यहां से वी बाई क्यू क्या आ गया, वन बाई सी एस। तो यहां पे पुट कर देते हैं वी बाई क्यू की जगह वन बाई सी एस, तो फॉर्मूला बन गया कि अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में है और तीन की जगह पे एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वन बाई सी एस इज वन बाई सी वन, वन बाई सी टू एंड वन बाई सी थ्री का एडिशन। क्लियर है यहां तक? जैसे रेजिस्टर में करते थे, रेजिस्टेंस सीरीज में आंसर क्या देती थी, आर वन प्लस आर टू प्लस, इसमें उल्टा है, इसमें पैरेलल वाला रेजिस्टर का लगता है। तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? और उसी तरीके से अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो रूल नंबर वन, अगर ये वी है, ये देखो ये जीरो है तो पैरेलल में है, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन तीनों के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसको दे देगा, तो यहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहां पर एक्सेस हो जाएगा। राइट, पहला रूल क्लियर है? तो इसमें अगर पोटेंशियल वी है और वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये वी है तो ये भी वी है, ये भी वी है और ये भी वी है, और अगर ये जीरो है तो फिर ये जीरो और ये भी जीरो। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस जीरो, इसमें वी माइनस जीरो, इसमें बैटरी का भी, तो इसका मतलब पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रिमेन सेम, चाहे बैटरी का चाहे कैपेसिटर का। सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में वी सेम, तो पैरेलल में क्यू सेम नहीं क्योंकि तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट है। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्यू वन इज इक्वल टू सी वन इंटू वी, तो क्यू वन इज इक्वल टू सी वन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस जीरो इज वी। सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्यू टू इज सी टू इंटू वी, थर्ड के लिए क्यू थ्री इज सी थ्री इंटू वी, और टोटल चार्ज क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, क्यू चार्ज जो बैटरी ने दिया था चुराया उसको दिया, तो जो क्यू चार्ज टोटल था वो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री के सम के इक्वल होगा। तो क्यू वन की जगह सी वन वी, क्यू टू की जगह सी टू वी, क्यू थ्री का सी थ्री वी, तो यहां से वी नीचे आ गया। अब अगर इन पैरेलल तीन कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगाऊं जो सेम काम करें जो तीन करते थे, तीन क्या करते हैं, टोटल चार्ज क्यू को स्टोर करते हैं, वो अलग बात है कि Q1, Q2, Q3 की फॉर्म में करते हैं पर टोटल चार्ज तो क्यू ही करते हैं। तो इस कैपेसिटर के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तीन की जगह वो CP, तो Q इज इक्वल टू CP इनटू V, तो Q बाय V क्या हो गया CP, तो यहां पे पुट कर दिया Q बाय V की जगह CP। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपको जो पेपर में आएगा वो प्रूफ करना आए ना आए, लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएंगे एनसीईआरटी में भी और कॉम्पिटिशन में भी। तो अब इसके आगे हम थ्योरी नहीं करेंगे कैपेसिटर की, इसके आगे अगले दो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही चलेगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, प्लीज रिवाइज करना इसे, और नेक्स्ट टाइम फिर एनसीईआरटी का और का लेक्चर होगा और इसको खत्म करेंगे, अगली बार से फिर कॉम्पिटिशन वाला काम शुरू करेंगे।